कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी, इस बार क्या हो रहा है, एट अ टाइम आप एक साथ दो कॉमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि फर्स्ट कॉमोडिटी की कितने यूनिट का कंजम्पशन करना है और सेकेंड कॉमोडिटी का कितने यूनिट का कंजम्पशन करना है, तो ये डिसाइड किस तरीके से होता है, तो इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं टू कॉमोडिटी में से एक कॉमोडिटी को एक्स और एक कॉमोडिटी को वाई, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास में कुछ हमने कुछ कंडीशंस को समझा था, वो तो सिंगल कॉमोडिटी का था, टू कॉमोडिटी के केसेस में थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल से इसको आप इजिली समझ पाएंगे। देखो मैंने आपको बताया था एक लिख करके कि एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि क्या होता है, इसका मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इन 1 रुपी, 1 रुपए में जितना भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 1 रुपए में, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम MUM से, क्लियर है। अब सबसे पहले आप निकालोगे कैसे MUM, लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने 20 रुपए खर्च किए और आपको इससे एक सेटिस्फेक्शन आया, क्या आया आपका, एक सेटिस्फेक्शन मिला, जिसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, बार बार बोल रहा हूँ मैं इसको, तो सेटिस्फेक्शन किस में एक्सप्रेस होता है, यूटिल्स में। तो जो आपको सेटिस्फेक्शन आया वो मैं यूटिल्स में बता रहा हूँ, लाइक 100 यूटिल्स का आपको सेटिस्फेक्शन आया, तो 20 रुपीज़ का आपने कोई कमोडिटी बाय करा, उसका कंजम्पशन करा, उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, वो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है आपका, 100 यूटिल्स मिला, कितने रुपए में मिला 100 यूटिल्स, तो 1 रुपए में कितने यूटिल्स मिल रहा है, 5 यूटिल्स, तो 1 रुपए में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो क्या है, 5 यूटिल्स, इसी को क्या बोलेंगे मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आपने 5 कैसे निकाला वो देखो, मैंने आपसे पूछा सेटिस्फेक्शन इन 1 रुपी, मैंने यही पूछा बच्चे आपसे, आपने क्या आंसर दिया कि 1 रुपए में 5 यूटिल आ रहा है, कैसे किया आपने, आपने 100 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया, ये 100 क्या है बच्चे आपका, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, कि एक्स से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और ये 20 क्या प्राइस है ना उसका, प्राइस मीन्स पी किसका, एक्स का, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये समझ जाइए कि MUM इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं आप, MUX अपॉन PX, समझ में आया बच्चे। अब देखो आप इसको छोड़ो, अब मैं डायरेक्टली आपके सामने कभी भी ये चीजें लिख दूं MUM, ठीक है ना, तो अगर मैं लिख दूं MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि MUM का मतलब क्या होता है, 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन मिला, और आपका वो निकालते कैसे हैं, सेटिस्फेक्शन डिवाइडेड बाय प्राइस, तो अब आपको यही हो जाएगा कनेक्ट, बेसिकली इसका मतलब है 1 रुपए में क्या सेटिस्फेक्शन मिला। अब आइए एक एग्जांपल समझते हैं, मैं डिवाइड के चक्कर में और फ्रैक्शन के चक्कर में आपको लेके नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने टेबल ही ऐसा रखा है जिसमें कि भाग का कोई पंगा नहीं पड़े। मैंने मान लिया कॉमोडिटी एक्स का प्राइस भी 1 रुपया है और कॉमोडिटी वाई का प्राइस भी, तो जो भी आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा वो, तो वो अपने आप में ही MUM है, बात समझ में आया बच्चे। तो ऐसे आपके पास में दो कॉमोडिटी है, क्लियर है, और कुछ अजम्पशन ले लेते हैं कि आपकी जो इनकम है
वो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 5 रुपीज है, ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स क्या है, 1 रुपीज है। प्राइस ऑफ एक्स मतलब दो कॉमोडिटी है, एक एक्स और एक वाई। अगर एक्स की बात कर रहा हूँ तो एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, वाई की बात करूंगा तो वाई। तो प्राइस ऑफ वाई क्या है, ये भी मैंने 1 रुपीज ले लिया। और आप अपने एंटायर इनकम को एक साथ एक झटके में खर्च नहीं करते हो, करते हो पापा की सैलरी आई हो गायब सुबह तक, या धीरे धीरे करके उसमें खर्च करते हो। तो ऐसे हम अजम्पशन लेते हैं कि 5 रुपये मेरी इनकम है तो इसमें मैं एक एक रुपया करके इसको खर्च करूँगा, ठीक है। और आइए देखो किस तरीके से हम इसको खर्च करते हैं एक एक रुपये करके। चलो ये रहा, वैसे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का तो पर्पज़ यही होता है कि वो अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करे। अगर कंज्यूमर अपने आप को अपने उस इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पहुंचाता है तो वो सिचुएशन उसके लिए इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है। आप जो भी पैसा खर्चा कर रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पर आप 5 रुपये खर्च कर रहे हो, आपकी इनकम 5 रुपये, आप दो कॉमोडिटी पर पैसा खर्चा कर रहे हो, तो आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तभी तो आप बोलेंगे भैया कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम के स्टेज पर है। तो चलो मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूँ, एक कम्युनिटी एक्स है और एक कम्युनिटी वाई है, दोनों के 1 रुपये प्राइस है, आप एक एक कॉइन करके एक्सपेंस करोगे। तो फर्स्ट कॉइन, पहला रुपया किस पे खर्च करोगे, एक्स पे या वाई पे? क्यों एक्स पे खर्च करते हो तो कितना मिलेगा आपको सेटिस्फेक्शन, 20, और वाई पे खर्च करते हो कितना मिलेगा? और कंज्यूमर का नेचर कैसा होता है, वो अपना 1-1 रुपये जब खर्च करता है तो ध्यान रखता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल। अगर आपके 1 रुपये भी चेंज रह जाए दुकानदार पे, वो आपसे बोलता है कि टॉफ़ी निकाल लो, 4-5 डब्बे रखे हुए हैं, तो आप रैंडमली झटके से कोई टॉफ़ी नहीं निकाल लेते, उसमें भी आप 10 सेकंड के लिए सोचते हो कि भाई कौन सा निकालना चाहिए, मतलब कौन सा ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड करेगा, फिर आप उसमें से एक निकालते हो। तो एक कंज्यूमर चाहे धीरे धीरे पैसा खर्च कर रहा है, बट हर बार उसका कोशिश यही रहेगा कि उसमें जो उसको सेटिस्फेक्शन के ऑप्शन है उसमें से मैक्सिमम का सिलेक्शन करें। अब नेक्स्ट कॉइन बच्चे, चलो फर्स्ट कॉइन आपने किस पे खर्च करा, एक्स पे, कितने आपको 20 का सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। अब दोबारा तो 20 का नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया किसी भी कम्युनिटी का कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते हो तो नेक्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होता है, वो डिमिनिशिंग नेचर का होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलो फर्स्ट कॉइन का तो आपने लगा दिया भाई ठिकाने, सेकेंड कॉइन वो किस पे खर्च करोगे, एक्स पे, तो एक्स पे कितना मिलेगा, और अगर वाई पे खर्च करोगे तो कितना मिलेगा, वाई पे, वाई तो अभी आपने कंजम्पशन करा ही नहीं है, तो वाई पे कितना मिलेगा, 16, और एक्स पे करोगे तो, क्योंकि एक्स पे 20 नहीं मिलने का, अब आपका ऑलरेडी एक कंजम्पशन हो चुका है, दूसरा करोगे तो उससे कम ही मिलेगा। तो बताओ सेकंड कॉइन कहाँ खर्च करना चाहिए, वाई पे, है ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की तलाश में हो आप। चलो बच्चे ये भी गया, थर्ड कॉइन किस पे, क्योंकि इस पे खर्च करोगे तो 14 मिलेगा, इस पे खर्च करोगे तो 12, तो आप किस पे खर्च करोगे, एक्स पे, 14, क्लियर है। एंड फोर्थ कॉइन, एक्स पे खर्च करता तो 12, वाई पे खर्च करता तो, आप कह सकते हो कि सर इसमें तो भाई रैंडमली कोई भी खर्च कर दे कोई फर्क इससे सेटिस्फेक्शन में सेम मिलता है, तो चलो ठीक है एक्स पे कर दिया 12। एंड लास्ट कॉइन, एक्स पे तो 7 मिलेगा, वाई पे तो कितना होगा, 12। टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल देख लेता हूँ मैं, 20, 16, 14, 12, 12, 10, 4, 14 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 74 यूटिल्स मिला ना आपको, किसमें, 5 रुपये खर्च करने पे। तो इसमें मैंने क्या करा, एक्स की कितनी यूनिट का कंजम्पशन करा, एक्स की 3 यूनिट का, है ना, और वाई की 2 यूनिट का। ये तो भैया मेरा तरीका रहा खर्च करने का, मुझे 74 यूटिल्स का टोटल सेटिस्फेक्शनेबल मिला। आप इस 5 रुपये को किसी और वे में एक्सपेंस करके मुझे 74 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शनेबल दिखा दो, दिखा सकते हो आप 5 रुपये आप अपने हिसाब से खर्च करो, मुझे 74 से ज़्यादा दिखाओ, आएगा आएगा बताओ, किसकी कितनी यूनिट लो उसकी कितनी यूनिट लो, आ ही नहीं सकता है, नहीं आ सकता जी। अगर आप यहाँ बढ़ोगे तो वो वाला छूट जाएगा, उसकी ज़्यादा लोगे तो ये बड़े वाले छूट जाएंगे, छोटे वाले नंबर आ जाएंगे आपके पास में। तो
टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम तो आपका कब होगा, जब 3 यूनिट्स ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई कंजम्पशन करोगे तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और ऑर्डर लिया तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल 74 से तो कम रहेगा, जबकि कंज्यूमर का पर्पज़ क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर को एक्स की कितनी यूनिट और वाई की कितनी यूनिट कंजम्पशन करना चाहिए, एक्स की वाई की 2 का, जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज को अचीव कर लेगा। क्लियर है बच्चे? तो इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमें पता कैसे लगेगा कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। तो लास्ट के 2 कॉइन से लाइक दिस वन है ना, लास्ट के 2 कॉइन से उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हमेशा आपका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम रहेगा। लास्ट के 2 कॉइन से टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? अब फॉर एग्जांपल मैं इसको तो ये बोल सकता हूँ ना, फिर तो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, लास्ट के 2 कॉइन से सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल होना चाहिए। तो फिर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एक्स कॉमोडिटी लास्ट कॉइन से इन रुपीस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ वाई कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ इन अ 1 रुपीस, 1 रुपए से एक्स का कितना मजा आ रहा है, 1 रुपए में वाई से कितना मजा आ रहा है, ये वही है ना, लास्ट के दोनों क्या होने चाहिए बराबर। क्लियर है बच्चे? तो ये बुक में टर्म्स लिखे रहेंगे तो आप घबराइएगा मत, ये क्या है, एम यू एक्स एम यू एम ऑफ एक्स और एम यू एम ऑफ क्या होनी चाहिए, इक्वल। यहाँ से मैं ये भी ले सकता हूँ इसको सॉल्व करके, थोड़ा सा प्राइस एक तरफ और सेटिस्फेक्शन एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, पी वाई अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन एम यू एक्स, बोल सकता हूँ ना, ये क्या करा इसी को मैंने, ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया। इसको अगर मैं ऐसे बोल कर सकता हूँ दोनों को, पी एक्स अपॉन पी वाई एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई कर सकता हूँ बच्चे। तो कभी यार बुक में ये देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा, सब एक ही बात है। क्लियर है, समझ में आया बच्चे, कोई डाउट किसी को? अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ आपसे तो आप बताना ही क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, क्या है इसका मतलब, मतलब 1 रुपए में जो x से मजा आ रहा है और 1 रुपए में जो y से मजा आ रहा है, x वाला सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है, जबकि इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिल रहा है ना, क्लियर है? तो मैं इसको कैसे इक्विलिब्रियम के स्टेज पे लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, किसी कमोडिटी कंजम्पशन अगर आप कॉन्टिन्यूसली करते हो तो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका गिरता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मालूम है प्रॉब्लम क्या, ये ज्यादा है ना, ज़्यादा वाले को पकड़ो बस, हमेशा कम वाले को छोड़ दो, माफ़ करो बेचारा पहले कम है, ज़्यादा वाले को क्या करना चाहिए, मुझे एक्स का कंजम्पशन और करना चाहिए जिससे कि एक्स का सेटिस्फेक्शन लेवल, प्राइस तो कॉन्सेंट रहेगा, प्राइस में तो कुछ नहीं आएगा, एक्स का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बच्चे? एक्स का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, कम होगा। तो उसका क्या मतलब है, एक्स से सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा मिल रहा है वाई से कम, तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का कंजम्पशन और करने करेंगे जिससे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई होगा और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, एक्स का प्राइस तो कांस्टेंट है और फिर दोनों क्या हो जाएगा, एक टाइम पे आकर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कमेंट करेंगे आप, एक्स का कंजम्पशन आपको मोर करना है इक्विलिब्रियम पे पहुँचने के लिए, ठीक है? इस सिचुएशन को बताओ जरा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई, क्या करना है हमें यहाँ पे, क्या करना होगा, हाँ कंजम्पशन इसका और ज़्यादा करेंगे जिससे कि सेटिस्फेक्शन लेवल इसका गिरेगा और फिर एक टाइम पे ये इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ सिचुएशन डाल के आपसे पूछ सकता है,
ये इस पर कमेंट करें, इस पर कमेंट करें। आइए पढ़ लेते हैं थ्योरी में क्या है, ये सब तो मैंने लिखा है भैया। क्या सबसे पहले देखो थ्योरी क्या कहता है, एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे इक्वी मार्जिन यूटिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। मतलब क्या है, इसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है एक्स की इन टर्म्स ऑफ मनी इन अ वन रुपीस, और जो इसकी मार्जिन यूटिलिटी है सेटिस्फेक्शन लेवल है ऑफ वाई कम्युनिटी इन अ वन रुपीस, दोनों क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया, क्लियर है? एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ऑल कंजम्पशन ऑफ द लेटर ऑल्सो द अप्लाइज द फॉर्मर, लेट अस डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर बाय टेकिंग द टू गुड्स एक्स एंड वाई, द सेम एनालिसिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ गुड्स इन केस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमिटी, वी अज्यूम दैट द एंटायर इनकम वॉज स्पेंट ऑन अ सिंगल कमिटी, जब हमने पढ़ा था सिंगल कमिटी वाला। नाउ कंज्यूमर वांट्स, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है बच्चे। कंज्यूमर वांट्स टू अलोकेट हिज इनकम बिटवीन द टू गुड्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजिशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कॉमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल, दोनों कॉमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और दोनों का प्राइस का रेशो क्या होना चाहिए, रेशो, दोनों कम्युनिटी की प्राइस का रेशो और दोनों कम्युनिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो थ्योरी में इस बात को बोल रहे हो, समझ में आया? कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कम्युनिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल एंड एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल फॉल होगा। There are the two necessary conditions to attain a consumer equilibrium in case of two commodities. First, the ratio of the margin utility to price is the same in case of both commodity. We know consumer consumption in a single commodity, this one. Consumer consuming another commodity Y, this one. दो commodity का ये बताया था मैंने, MU Y और MU X का, और ये equal होना चाहिए, ठीक है बच्चे? उसी को अल्टरनेट वे में एक्सप्रेस कर रहा है, यूटिलिटी पर रुपीस इन केस ऑफ एक्स एज कंपेयर टू वाई, देयरफॉर ही विल बी बाय द मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। कह रहा है कि सपोज दिस वन, इसमें बताओ क्या करोगे आप, क्या है, एक रुपए में जो एक्स से सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है और एक रुपए में जो वाई से सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, एक्स से ज्यादा मिल रहा है, और हमें क्लियर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का बराबर, तो हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा मिल रहा है तो इसका कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे कंजम्पशन करते हो उससे सेटिस्फेक्शन लेवल, तो एक्स का ज़्यादा करेंगे, एक्स का सेटिस्फेक्शन लेवल 100 है तो 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्राइस भी रहेगा, तो रिजल्ट इसका छोटा बनेगा, तो इसके बराबर आ जाएगा एक टाइम पे। तो क्या कह रहा है, इस सिचुएशन में इन केस ऑफ द कंज्यूमर इज द गेटिंग मोर मार्जिन यूटिलिटी पर रुपीज इन केस ऑफ एक्स, वो एक्स से वन रुपीज में मार्जिन यूटिलिटी उसको ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू वाई, देयरफॉर ही विल बी बाय द मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, वो एक्स का ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, उसको ज़्यादा खरीदेगा, जिससे कि वो क्लियर में पहुंच जाए। इस सिचुएशन में क्या करेगा, वाई को ज़्यादा खरीदेगा। द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिन यूटिलिटी पर रुपीज इन केस ऑफ गुड वाई एज कम्पेयर टू एक्स, दिस विल बी द लीड टू फॉल इन द एम यू वाई एंड राइज ऑफ एम यू एक्स, द कंज्यूमर विल कंटिन्यू द बाय मोर ऑफ वाई को ज़्यादा करेगा, और दूसरा क्या है, एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज कंडीशन, कि सेटिस्फेक्शन लेवल आपको गिरता रहना चाहिए जैसे जैसे आप कंजम्पशन कर रहे हो। द सेकंड कंडीशन नीडेड टू अटेंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, लेट अस नाउ डिस्कस द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल एग्जांपल। सपोज टोटल मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज अ 5 रुपीज, जो आपकी तनख्वाह होती है उसको क्या बोलते हैं, मनी इनकम बोलते हैं, विच हिज विशेज टू स्पेंड ऑन द टू कमिटीज एक्स एंड वाई, बोथ ऑफ दीज कमिटी आर प्राइस ऑफ 1 रुपीज पर यूनिट, ठीक है बच्चे। कंज्यूमर कैन बाय मैक्सिमम 5 यूनिट ऑफ एक्स और 5 यूनिट ऑफ, या तो एक्स का 5 खरीद ले या वाई का भी 5 खरीद ले। इन अ टेबल वी हैव शो द मार्जिन यूटिलिटी विच द कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम द वेरियस ऑफ गुड्स एंड एक्स एंड वाई, समझ में आ गया आपको। फ्रॉम द टेबल इट ऑब्जर्व दैट अ कंज्यूमर विल स्पेंड द फर्स्ट रुपी ऑन द
कम्युनिटी एक्स विच विल बी प्रोवाइड हिम द यूटिलिटी ऑफ 20 यूटीज एंड सेकेंड रुपी विल बी स्पेंड ऑन द कम्युनिटी बाई टू गेट द यूटिलिटी ऑफ 60 यूनिट द रीच ऑफ द इक्विलिब्रियम कंज्यूमर शुड परचेज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स व्हेन इट्स हैपन व्हेन द कंज्यूमर बाय 3 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई बिकॉज एमयू ऑफ द लास्ट रुपीज 4/10 5th रुपीज स्पेंड ऑन द कम्युनिटी वाई गिव्स द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ 12 यूटिल्स एज गिव बाय द लास्ट रुपीज 4 रुपीज स्पेंड ऑन द कम्युनिटी एक्स चौथा रुपये जो एक्स पे खर्च करके मजा आया पांचवा रुपये जो वाई पे खर्च करके जो मजा आया दोनों से क्या मिल रहा है लास्ट रुपीज से इक्वल मिल रहा है MU of the each community falls as consumption increase. जैसे जैसे consumption करते रहोगे उससे satisfaction level fall होगा. The total satisfaction 74 utils will be obtained when the consumer buy 3 units of X and 2 units of Y. It reflects the consumer's equilibrium if the consumer spends his income any order. The total satisfaction will be less than 74. अगर आप किसी और order में खर्च करते हो तो कुल मजा का स्तर आपका घट जाएगा. Clear है बच्चे? नहीं आया समझे मेरी? X का मार्जिन यूटिलिटी का डायग्राम कैसे बनता है बताया था मैंने आपको एक्स का और वाई का वहां से बना दो वाई दूसरी तरफ से और दोनों इक्वल का है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं है ना एक्स का इतना है सेटिस्फेक्शन लेवल और वाई का भी इतना है दोनों का क्या है सेम है क्लियर है बच्चे तो कई बार MCQs वगैरह में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आइसक्रीम सेल्स फॉर 20 रुपीज प्रिया हुज लाइक आइसक्रीम हैज ऑलरेडी कंज्यूम्ड 4 यूटिल्स हर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज इज 4 शुड सी कंज्यूम मोर आइसक्रीम और स्टॉप द कंजम्पशन तो क्या कह रहे हैं आइसक्रीम सेल्स फॉर 20 प्रिया हु लाइक्स आइसक्रीम हैज ऑलरेडी कंज्यूम्ड 4 यूनिट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज इज 4 एक रुपये में कितना मजा आ रहा है 4 का तो उसके बाद तो भाई वो 4 यूनिट का कंजम्पशन कर चुकी है प्रिया 20 रुपये क्या है प्राइस है ऑलरेडी कंज्यूम 4 यूटिल्स और 20 रुपये प्राइस है और 1 रुपये में कितना मजा आता है 4 यूटिल तो उसको और कंजम्पशन करना चाहिए या नहीं कंजम्पशन करना चाहिए देखते हैं क्या फॉर्मूला सिंगल कम्युनिटी कंजम्पशन कर रहा है 2 नहीं कर रहा सिंगल कम्युनिटी का फॉर्मूला लिखो MUX अपॉन PX इक्वल्स टू याद है MUX मुझे नहीं मालूम क्या उसको मजा आ रहा है पर प्राइस मुझे मालूम है और मुझे मालूम है कि साढ़े से 1 रुपये में कितना मजा दिया हुआ ना 1 रुपीज में 4 क्लियर है बच्चे तो सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर तो हमारे पास में क्या आ रहा है MUX इक्वल्स टू 80 यूटिल्स ठीक है तो यहां पर कह रहा है कि अगर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 4 यूनिट में 80 यूटिल्स का आ रहा है तो स्टॉप हो जाएगा अदरवाइज वो कंजम्पशन करेगा फॉर एम्प्लाइंग दैट इन अदर स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम प्रिया MUX मस्ट बी इक्वल टू द 80 यूटिल्स इफ द हैविंग कंज्यूम्ड 4 आइसक्रीम प्रिया MUX इक्वल्स टू 80 यूटिल्स शी मस्ट स्टॉप द कंज्यूमिंग मोर However, if the MUX कंडीशन बता रहा है अगर मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल 80 से ज़्यादा मिल रहा है तो आप ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हो ताकि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल कितना चाहिए क्लियर माने के लिए 80 तो 80 से ज़्यादा मिल रहा है तो और कंजम्पशन करके उसको कम करो अगर 80 से कम मिल रहा है तो आपको इतना कंजम्पशन नहीं करना चाहिए दो कम्युनिटी है एक्स और वाई क्या इक्विलिब्रियम में है चेक कर ले MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन 20 4 25 5 5 5 है ना दोनों इक्वल में तो हाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है द इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन दिस वन क्लियर है बच्चे दैट द कंज्यूमर इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है बच्चे अब इस टाइप के क्वेश्चन से आप इजीली इसको टैकल कर लोगे अब यहाँ पर जैसे आपके पास में MUX 25 प्राइस 5 30 5 क्या हो गया यहाँ तो 5 आया यहाँ 6 आया है ना तो ये ग्रेटर हो गया ना तो आपको वाई कंजम्पशन और करना चाहिए क्यों इक्वल इंप्लाइंग दैट द कंज्यूमर इज नॉट ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ फॉर एन नंबर ऑफ कम्युनिटीज क्लियर है बच्चे